रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में तुमको महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत सभी का और दिल से उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ए टू प्ले पर फॉलो कर लिया है। मुश्किल से 4 या 5 लोग, 2000 सब्सक्राइबर में से 4 या 5 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उससे ज़्यादा तो मुझे वहीं पर सब्सक्राइबर मिल जा रहे हैं। बताइए, 2000 सब्सक्राइबर मेरे, और पिछले बार जब मैंने कहा था ब्लॉक कर दूंगा तो डर के मारे लगता है यूट्यूब पर भी लोगों ने सुनना छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया, खुशी होती है। इससे अच्छा तो मेरा कॉमिक्स्ट्री चैनल है जहाँ एक बार बोलते ही 200 लोगों ने तुरंत ही कॉमिक्स्ट्री को फॉलो कर दिया और यहाँ पर अभी तक लोगों के कान में जू नहीं रेंगे। हाँ, अपनी कहानी पब्लिश कराने के लिए या फिर बिना सिर पैर के मैसेज लिखने के लिए बहुत से लोग तैयार रहते हैं, बट जब एक हेल्प मांगी गई तो बेचारों के उंगली में शायद मेहंदी लग गई थी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने फॉलो किया और आशा करता हूँ वहीं से मुझे फॉलोअर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की आप बीती। आज 3 कहानियाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ से आई है और सच बात है यार, अगर दुनिया में किसी के पास ऐसी अच्छी स्टोरीज, बहुत अच्छी स्टोरीज होंगी तो ये फॉरेस्ट गार्ड, रेलवे ड्राइवर्स और पुलिस, यही 3 लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी ड्यूटी के जीवन में बहुत डरावने अनुभव लिए हों। शुरुआत करते हैं 2 छोटी कहानियों से, फिर आएंगे ससली स्टोरी पर। पहली जो घटना है ये है एक हॉस्टल की, मुर्शिदाबाद जिला से, और ये लिख रही हैं सौमित्री। सौमित्री बताती हैं ये उनके दादाजी के साथ घटी हुई घटना है। उनके दादाजी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज और इंजीनियर हैं वो, और ये सब जो है इसका जो असली श्रेय जाता है इनके दादाजी के फादर को, मतलब इनके परदादा को, जो स्वभावतः काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और फैमिली में ये लोग जो हैं 3-4 भाई बहन थे, मगर पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल वो जी चुराने नहीं देते थे, और शायद इसी का फल है कि इनकी फैमिली जो है काफ़ी पढ़ी लिखी है और सभी लोग अच्छी अच्छी जॉब में हैं। इनके दादाजी का तो खैर दिमाग और भी अच्छा है, और सौमित्री लिखती हैं कि मेरी भी पढ़ाई जो है वो दादाजी की हेल्प से ही होती है। तो बचपन की बात है, इनके दादाजी हालांकि इतने पढ़ाकू नहीं थे और सबसे छोटे थे घर में, तो काफ़ी लाड प्यार से थे माँ का, तो अक्सर पढ़ाई से जी चुरा लिया करते थे। तो जैसे होता है ना, हम लोग के साथ भी हुआ है, मतलब जितना भी पढ़ो माँ बाप को ऐसा लगता है कि शायद और थोड़ी सी मेहनत करते तो और थोड़ा अच्छा रिजल्ट आता, तो इनके साथ भी वैसे ही था। अक्सर ये क्या करते थे, छोटी मोटी बंक मार लिया करते थे, जैसे जिस टाइम पढ़ना है उस दिन चुपचाप किसी ने खेलने निकल गए या सो गए, इस टाइप की बदमाशियाँ कर लेते थे और इनके फादर इनको बहुत डांटते थे। मगर प्रॉब्लम ये होती थी कि इनकी जो मदर है, जब इनको बहुत चाटा जाता था वो फिर गुस्सा करती थी, खाना छोड़ देती थी, मतलब फिर से जो कहते हैं सपोर्ट करना बच्चे को। तो इनके दादाजी के पिता ने फैसला किया कि इसको जो है थोड़ा सा पनिशमेंट मिलना चाहिए और रूल रेगुलेशन फॉलो करना सिखाना चाहिए, तो इसके लिए इसको हॉस्टल में रखा जाएगा। एंड फिर उन्होंने उस स्कूल का पता लगाया, हॉस्टल का पता लगाया और सारा फॉर्मेलिटी वगैरह तैयार किया और इनको हॉस्टल भेजने की पूरी तैयारी कर दी। अब फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट, घर में कुछ ऐसा हाल था कि उनके आगे फिर कोई नहीं बोल पाता था, तो इनकी मदर भी चुप ही रही एंड इनको हॉस्टल भेज दिया गया। अब हॉस्टल जो था वो एक तरह से गुरुकुल जैसा कहा जा सकता है, मतलब पढ़ाई लिखाई तो काफ़ी स्ट्रिक्टली होती ही थी, साथ ही साथ वहाँ पर एक बड़ा सा खेत जैसा था, वहाँ पर बच्चों को बाकायदा बागवानी वगैरह कराया जाता था और वहीं से जो नेचुरल जो
ग्रेन्स आते थी, सब्जियाँ वगैरह, वो हॉस्टल में बच्चों को खिलाया जाता था। तो एक तरह से अपनी मेहनत करके फसल उगाना और फिर उसको खाना, इसका भी अनुभव उनको दिया जा रहा था। और हॉस्टल थोड़ा शहर के बाहर तरफ खुली जगह में था और उसके बारे में बातें कुछ प्रचलित थी कि वो जगह थोड़ी हॉन्टेड टाइप की है, कई ऐसी घटनाएं वहां पे होते रहती। विशेषकर जो इनका जो हॉस्टल था जिसमें इनको रखा गया था उसके बारे में बहुत ज़्यादा अपवाद प्रचलित थे। और अब ये बात उस समय की है जब मतलब घरों में वॉशरूम्स वगैरह बनाने का चलन नहीं था, घर से थोड़ी दूरी पर ही टॉयलेट वगैरह होते थे। तो इनके हॉस्टल का भी वही हाल था, वो खेत के पास की तरफ इनका टॉयलेट वगैरह था। तो एक दिन शाम के समय, शाम मतलब 8-9 बज रहे थे, इनको पॉटी आई। तो इन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो भाई कोई वहाँ मेरे साथ, अकेले जाने में डर लगता है। तो सभी क्लास 7th की बात है, क्लास 7th के बच्चे और कितने बड़े होते हैं, क्लास 7th-8th ऐसे बच्चे उस हॉस्टल में थे, सभी थोड़ा डरे। बोले नहीं नहीं इतने रात को कैसे जाएंगे, उधर डर लगता है, ऐसा है वैसा है। अब कहते हैं ना वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि उस समय इंसान का सब डर हट जाता है, मतलब शेर भी अगर सामने आ जाएगा तो आदमी बोलेगा पहले निपट लूँ उसके बाद ही शेर से निपटूंगा। तो इनकी भी हालत ऐसी थी, तो ये अकेले ही चले गए और लाइट तो थी नहीं, चिमनी लेके जाना पड़ता था। होके फ्रेश होके जब ये बाहर निकल रहे थे, पहले तो करते तक तो नहीं लगा मगर होने के बाद फिर डर लगा, ये अकेला आ गया हूँ। तो धीरे से ये दरवाज़ा कभी खोलने की कोशिश करते फिर बंद कर देते, कैसे करूँ कैसे जाऊँ यही कश्मकश में थे। हाँ तो मैं फैसला लिया नहीं जाना पड़ेगा, तो दरवाज़ा इन्होंने खोला और जैसे ही खोला देखा एक महिला की आकृति है हवे में तैर रही है। और पूरे वो ग्राउंड एरिया मतलब वो जो खेत और वो वॉशरूम के आसपास है वो घूम रही। अब देखकर तो इनकी हालत खराब, तुरंत इन्होंने जो है दरवाजा बंद कर लिया और चुपचाप कुछ देर खड़े रहे। बट बात ये थी कि कितनी देर खड़े रहे, और बुलाए भी अपने फ्रेंड्स को तो कैसे, इतने दूर हैं, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे तो आवाज़ वहां तक जाएगी भी नहीं, हो सकता और रुकना भी हुआ मुश्किल। और समझ सकते हैं अंधेरा मच्छर, कोई कितनी देर तक इस तरह से वॉशरूम के अंदर खड़ा रह सकता है। सडनली उनको याद आया, उनकी माँ ने कहा था कभी जब बहुत डर लगे तो अपने इष्ट देव जिसको तुम पूछते हो उसका नाम जपना तो रक्षा हो। तो इन्होंने जब मन में वो शिव जी को बहुत मानते थे, शिव जी का नाम लिया। और कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डर लगे तो आदमी का डर फिर ख़त्म हो जाता है, तो यही कुछ स्थिति इनकी थी। इन्होंने दरवाज़ा खोला और एक दौड़ लगाई सीधा हॉस्टल पहुँचे, और हॉस्टल पहुँच के वहाँ बेहोश हो गए। तब फिर वो कमरे में लेके गए, उनके फादर को फिर बुलाया गया। तो फिर इसने बताया तो लड़कों ने भी हाँ सर ये थोड़ा तो है ऐसा वैसा। तो फिर इनके फादर तो बोले कि नहीं बच्चे को इतना टॉर्चर करना भी सही नहीं है, फिर इनको ये घर ले गए। और फिर आगे की इनकी जो पढ़ाई लिखाई घर ही में हुई, बट लाइफ का इनका एक अनुभव रहा। और अभी भी वो हॉस्टल है, कहते हैं वो सच में हॉन्टेड है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है। नाम इन्होंने मेंशन करने मना किया उस जगह का। तो ये पहला अनुभव था। दूसरा अनुभव जो है वो लिख रहे हैं रक्षित लिख रहे हैं अकोला महाराष्ट्र से। रक्षित लिखते हैं ये पिकनिक की बात है, मतलब इनकी फैमिली जो है, इनके कजन्स हैं, इनके मम्मी पापा सब मिलके पिकनिक मनाने, पिकनिक स्पॉट पे गए थे। ये भी इस जगह का नाम लेने के लिए मना करते हैं, बहुत फेमस स्पॉट है वहाँ का। तो ये लोग जब पिकनिक मनाने गए तो वहाँ पे खेलने के बहुत सारे झूले वगैरह थे, मगर
खास जगह थी झूले झूले की, जिसको मतलब रस्सी से घेर के रखा गया था, ऐसे मतलब कोई उसमें जा ना सके। तो ये लोग सब जगह खेले ले। अब वो झूला देख के इनको बड़ा अजीब लगा, मतलब सब तो जगह ठीक ठाक है, यहाँ पे क्यों ऐसा रखा गया है? तो जैसा बच्चों में होता है, बोले लगता है कुछ है ऐसा रखने का, नहीं मैं तो जाके छूलूंगा इसमें। बोले नहीं जा सकता, तो तेरे हिम्मत नहीं है। सब मतलब होता है कजन्स में एक तरह से बेट जैसी लग गई। और ये जो है वो रस्सी को पार करके झूले में गया, दो झूले ऐसे स्विंगिंग वाले जो होते हैं, तो वो बैठ के उस पर झूलने लगा। झूलते झूलते क्या होता है, जैसे एक झूल रहा है दूसरा क्या होगा, हल्का सा मूवमेंट करेगा ही, स्वाभाविक सी बात। मगर इनके साथ क्या हुआ कि ये जैसे ही पीछे जाते थे, जितना दूर ये पीछे जाते वो झूला भी उतना दूर पीछे जा रहा, और जैसे ही आगे आते थे वो झूला भी उतनी दूर ही आगे आ रहा। एक दो बार जैसे इन्होंने देखा, ये तो मतलब एकदम चीख के वहाँ से बाहर भागे। चीख सुन के जो वहाँ पे जो मतलब गार्डन के कर्मचारी वगैरह थे वो भी आए, क्या हो गया तो बताया सब, बिल्कुल इनको डांट के भगा दिया कि देख नहीं रहे हो यहाँ पे ऐसा बांध के रखा गया, तुम लोग वहाँ पे झूल रहे हो, इतनी सारी जगह पड़ी झूलने की, तुम लोग वहाँ खेलो, ये क्या है? वो डांट डपट के इनको भगा दिया। खैर लोग वहाँ से आ गए और फिर इस बात को किसी को नहीं बताया। अब रक्षित लिखते हैं कि इनकी मदर को जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ थी, तो वो क्या है बेड पे नहीं सोती, वो हमेशा ज़मीन में ही बिस्तर बिछाकर सोती थी, डॉक्टर का ही कहना फ्लैट जगह पर सोना। तो थक के आए थे, जल्दी सब सोने लगे, तो रक्षित जो है, इनके फादर कुछ काम कर रहे थे ऑफिस का, और फादर और ये बेड पर एक साथ सोते थे। तो ये भी कुछ वॉशरूम वाशरूम गए, वापस आए, देखा उनकी माँ जो है बेड पर लेटी है, तो उनकी तरफ पीट दी। ये बोले अरे माँ तुम आज बेड पर मेरे साथ सोगी, वाह। तभी इसने देखा कि माँ तो जमीन पर लेटी हुई। झोंक गए, बोले अरे मैंने अभी देखा आप बेड के ऊपर थी, पागल है क्या, तेरे को तो पता ही है मैं बेड पे सोती नहीं हूँ, मैं कैसे सोऊंगी। तो ये फिर मच्छरदानी वगैरह लगा के बिस्तर में घुसने गया। जैसे बिस्तर में घुसने गए तो उन्होंने देखा है कि मच्छरदानी के अंदर एक महिला बैठी है और उसको अपनी तरफ बुला रही है जैसे इशारा कर। ये तो मतलब एकदम चीख के वहीं पर बेहोश हो गया। फिर उसकी माँ उठी, फिर उसको बुलाए, फादर अदर आए, और जो उसके मतलब इनकी जो है जॉइंट फैमिली के सब लोग आए, अरे क्या हो गया बच्चा, सर में बेहोश हो गया। जब होश होश में लाया गया तो उसने बताया कि मैंने स्पर्श देखा कि ऐसा एक महिला बैठ के मुझको बुला रही थी। तो सब हंसे, बोले पिकनिक में ज़्यादा जशन वशन हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है, सो जाओ। तो हो गए, बाद में इसके फादर भी आके लेट गए उसके पास। तो अब जैसा होता है ना, दिन भर खेला कूदा है, थक गया है बच्चा, तो पेरेंट्स का क्या होता है, एक प्यार होता है, उसको टच थेरेपी बोलते हैं, कि मैं थोड़ा सा हाथ बुला दिए कि अच्छा लगे इस टाइप। तो इनके साथ भी ऐसा लग रहा था इनको। तो इनके फादर सोए थे तो उनको लगा शायद फादर कर रहे हैं, अगर फिर कुछ देर तक ऐसा लगता रहा, लाया माँ तो मना करो तो ये ऐसा कर रहे हैं। बोले कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ रे, मैं तो तेरी तरफ करवट लेके सोया हूँ। मगर तब तक उसको वो अनुभव ऐसा हो रहा, फिर वो तो पड़ा और फिर डर के मारे बेहोश हो गया। पेरेंट्स भी चिंतित हो गए, बच्चा जो है बार बार इस तरह से मतलब फिट हो जा रहा, क्या है। अगले दिन फिर इनके एक पहचान के थे, उनके पास ले जाया गया, तो वो फेस रीडिंग करते थे। फेस रीडिंग करके कहा कि नहीं, और जो है एक औरत का साया है, बट खतरनाक कुछ नहीं है, एक ममता का जैसा प्रभाव है, इसलिए वो इसको प्यार कर रही है, बट चीज़ों को तो हम अपने पास रख नहीं सकते। तो इनको फिर
का भी चाबीज दिया गया और फिर जो है वो से छूटे, मतलब पिकनिक मनाने जाके छोरी सिर पे पड़ गया। होता है, ऐसा भी होता है। आते हैं हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर सर की काफी गूज़बम्प स्टोरी। तो इनका नाम है अमित खन्ना जी। ये लिखते हैं, मैं फॉरेस्ट गार्ड की जॉब में था और इस दौरान जो है देहरादून कर्नाटक महाराष्ट्र के जंगलों में मेरी पोस्टिंग रही। उस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव किया। हालांकि उस समय तो कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं था कि ये सब क्या है। आज रिटायरमेंट के बाद जब उन विषय पर सोचता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। उन्हीं में से एक विषय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लिखते हैं, ऋषिकेश से देहरादून के मार्ग पे जाएंगे तो एक जंगल पड़ता है राजा जी रिजर्व फॉरेस्ट करके। उस समय उनकी ड्यूटी यहाँ पे थी और ये 2005-06 की बात है। उस समय जो है मोबाइल्स उतने डेवलप नहीं हुए थे, पेड़ वाले मोबाइल थे जिनसे कॉल किया जाता था। एंड मनोरंजन के साधन अगर इस तरह की जगहों पर बोलेंगे तो छोटे MP3 प्लेयर आते थे जिनमें गाना डलवा लिया जाता था और उसी से सुनकर मनोरंजन किया जाता था। आज की तरह मोबाइल पे गाने नहीं सुन सकते थे। तो इनका जो बंगलो था वो जंगल के बीचों बीच था। वहाँ से जो है ऑफिस जो है वो बाहर की तरफ हुआ करता था। तो दिन भर के काम के बाद बंगलों में ये लोग आराम करते थे। तो उस समय इनका काम यही था, MP3 प्लेयर पे गाने चला के सुनना। और मोबाइल का टावर भी नहीं होता था और बीच जंगल में वहाँ पे उस समय लाइट भी नहीं थी, चिमनी जलाकर ही काम करना पड़ता था। तो मोबाइल जो है बंद ही रखते थे। बाद में जब सवेरे ऑफिस आते थे तो यहाँ आकर चार्ज करते थे उसे, MP3 प्लेयर वगैरह भी वहीं चार्ज करते थे। तो एक दिन इन्हीं के ऑफिस से कोई वहाँ आया था तो रात में ये हुआ कि उसको छोड़ने जाना था स्टेशन। तो ये भी ड्राइवर के साथ हो लिए कि शहर से कुछ सामान भी लाना था, तो बोले सामान ले आएंगे और उनको छोड़ भी आएंगे। तो रात में जंगल से होके आ रहे थे। कहते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जंगल में रात को ड्राइविंग करना एक अलग ही अनुभव होता है। मतलब उस समय मुश्किल से 7 या 8 बज रहे थे पर जंगल के बीचों बीच ऐसा लग रहा था जैसे एकदम मध्य रात्रि हो। वहाँ से वो चेक पोस्ट तक आए, चेक पोस्ट में इनकी जान पहचान का था तो किसी तरह से इनको जाने दे दिया। वहाँ से कुछ छोड़ के सामान वामान लेके ये लोग लौट रहे थे। ये थे और इनका ड्राइवर था और हुड वाली गाड़ी थी, पीछे से मतलब उसको बंद कर दिया जाता, पूरा लॉक हो जाता था। सामने ये दोनों बैठे थे और फिर उसी जंगल के उसमें चले जा रहे थे। लिखते हैं कि मतलब वातावरण कुछ ऐसा था कि हम लोग ऐसा लग रहा था हम पनडुब्बी में बैठे, पानी के बीच से हम गुजरते जा रहे हैं। सडनली जो है इनका ड्राइवर जो है अहमद नाम का, उसने गाड़ी को ब्रेक मारी, झटके से एकदम से ब्रेक मारी। अच्छा, उससे पहले भी जो हाँ तो उस वक्त काल मूवी आई हुई थी तो ये लोग उसी पे बात कर रहे थे, अजय देवगन का रोल और ये सब। सडनली गाड़ी रुकी तो पूछा क्या हो गया अहमद। तो अहमद ने दिखाया बीच रास्ते में एक जोड़ी जूता पड़ा है जंगल में रात के वक्त, कौन जूता रख के जा सकता है। फिर उसने देखा अहमद अपने गले में पड़ी किसी ताविश को पकड़ के कुछ 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 पढ़ रहा था। फिर उसने तेजी से गाड़ी जो जूते के पास से काट के चला दिया। बट ये लिखते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी में हमारे अलावा भी कोई है। ये चीज उन्होंने
एक्सप्रेस नहीं की अहमद के सामने, मगर बिल्कुल वो लिखते कि मुझे पूरा अनुभव हुआ कि गाड़ी में हम तीनों के अलावा भी कोई। अहमद भी पूरा रास्ते डरे डरे था। फिर वहां पहुंचे बंगले में। बंगले में आकर, बंगले में ऑलरेडी तीन लोग और थे, एक इनका रसोईया हुआ करता था और दो इनके और साथी थे, तो सामान वगैरह उतार के ले जा रहे थे। ठीक है, सामान अंदर छोड़ने गए, अहमद जो है गाड़ी से सामान उतार रहा था। सडनली बाहर अहमद के चीखने की आवाज़ आई। ये लोग सब दौड़े दौड़े तो देखा अहमद वहाँ बेहोश पड़ा। फिर जल्दी जल्दी सामान वामान उठाया गया, फिर अहमद को अंदर ले जाया गया। तो प्रॉब्लम थी, फिर रात में ही फिर किसी तरह से व्यवस्था की गई गाड़ी की और अहमद को जो है डॉक्टर खाने ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि किसी चीज़ से डर गया है, इस वजह से फिट हो गया है, दवाई ववाई दी, फिर इसको वापस लाया गया और बंगले में ही जो है सुला दिया गया। एंड कहा गया कि मतलब इसको अकेले नहीं छोड़ना है। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट डे की बात है, अहमद की तबीयत खराब ही थी, तो उस दिन ड्यूटी करके रात के करीब वापस आए तो देखा दोनों जो हैं वो बाहर बैठे थे और रसोईया और वो, उन्होंने पूछा कि अरे आप लोग यहाँ कैसे बैठे हैं। तो हाँ वो तो सो रहा था तो हम लोग यहाँ आ गए, ये गुस्सा है, डॉक्टर ने कहा तो उसको अकेले नहीं छोड़ा, उसको अकेले आप कमरे में छोड़ के यहाँ बैठे हुए ऐसा है। फिर जल्दी से जैसे ही कमरे में गए तो कमरे में एकदम लकड़ी जलने की बदबू भरी हुई थी, जबकि वहां पे आग ही नहीं कुछ नहीं था। तो उसके बाद से तो फिर अहमद को अकेला नहीं छोड़ा जाता था। तो एक दिन में अहमद थोड़ा ठीक हुआ तो उसे पूछा गया कि भाई क्या हो गया, तो ऐसा क्यों डर गया था। उसने बताया कि साहब मैं जब सामान निकाल रहा था मैंने जीप में वही जूता एक पीस पड़ा हुआ देखा और मैं काफ़ी डर गया, और पूरे रास्ते जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे जीप में हमारे अलावा भी कोई है, और कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई जीप के साथ दौड़ रहा है। इसलिए मैं जो है पूरे रास्ते ताबीज पकड़ के, मेरी माँ ने मुझे एक दुआ बताई थी वो पढ़ते हुए आया। और अहमद बोला कि मैं अब तो यहाँ जीप नहीं चला पाऊँगा, वो पहले ही नहीं चलाना चाहता था, मैं ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आप लोग भी ये जगह छोड़ दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ उस दिन कुछ आ गया यहाँ पे और इस बंगलों में कुछ है। तो लिखते हैं कि अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे, अचानक बंगले की छत पर, बहुत साफ सफाई ठीक से नहीं थी तो पत्तियाँ बिखरी हुई थी, तो वहाँ पर पत्तियों की सरसराहट में बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई चल रहा है। तो कुछ देर महसूस हुआ फिर शांत हो गया। तब जो है रसोइये ने कहा कि साहब मैं खाना पकाऊंगा, आप लोग एक काम करो, तो वहां किचन में चलो वहीं बैठना, मैं तो अकेले नहीं कर पाऊंगा। अहमद को भी ये लोगों ने कहा और ये सभी जो है किचन में चले गए। अब किचन जाने का रास्ता जो है सीधा नहीं था, वहां से गलियारा जैसा होता था, वहाँ से घूम के पीछे तरफ किचन में जाना पड़ता था, और वो गलियारा का जो अंत है वो दीवार से घिरा हुआ था, थोड़ा नीचे था, वहाँ से मतलब बाहर खाई जैसी थी। तो वहाँ पे क्या है, ये लोग जो रसोईया था वो किचन का सामान जो बचता था वो सब फेंकता, नॉनवेज वगैरह जो है ये लोग हड्डियाँ वगैरह वहाँ पर नहीं फेंकते थे, उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, जंगली पशु वगैरह खाएंगे फिर बीमारी फैलेगी, इसलिए गहरा कट करके ही गाड़ दिया जाता था, जानवरों को नहीं दिया जाता। तो अहमद को भी कहा गया कि भाई तू भी किचन में ही आ जा, तो ये अपना फोल्डिंग ले जाकर वहाँ लगा दिया, सब बैठे हुए थे, खाना ना खाए, सबने तय किया कि आज की रात जो है सब एक ही कमरे में सोएंगे, और चूंकि वहाँ का काम कंप्लीट हो गया था तो एक दो दिन में हेड ऑफिस को बताते हैं, फिर जो है अगले जंगल की तरफ हम चल देंगे, ये बंगलो हम छोड़ देंगे। तो ये लोग फिर
खाना खाने के बाद तय किए कि बिस्तर ठीक कर लेते हैं। तो रसोई जो बर्तन वगैरह धो रहा था तो अहमद और एक वहाँ छोड़ दिए और आदमी इनके साथ जो है कमरे में चला गया कि बिस्तर बिस्तर लगा लेते हैं क्या आता था कम। ये दोनों बिस्तर वगैरह ठीक कर रहे थे, चिमनी की रोशनी में काम हो रहा था। कहते हैं कि बिस्तर ठीक करते हुए मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई, और हर बार ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक बार मुड़ के देख ले, डर किस बात का है, कोई नहीं है, कुछ नहीं। मगर मन में फिर ये भी बात आ रही थी कि नहीं, भूल के भी मत देखना, बुरा हाल होगा। अभी ये कश्मकश में थे, अचानक उन्होंने देखा बेड के ऊपर हड्डी के टुकड़े पड़े, और चौंक पड़े वो, क्योंकि उन्होंने खुद बताया पहले नॉनवेज वगैरह खा के वो जमीन में गहरा गड्ढा करके गाड़ देते। तो ये नॉन हड्डी के टुकड़े कमरे में आना, ये तो एक तो फिर इनकी भी चीख निकल गई, कसाती बोला क्या हो गया सर, क्या हो गया सर। तो फिर बाकी लोग भी आए तो उन्होंने दिखाया कि क्या है वो, देखिए तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर किसी तरह से सब सामान को इकट्ठा करके जो है एक जगह वो थी बाहर रखने के लिए गए, और रख के किसी तरह से रात में सब लोग सोए। और अगली सुबह ही फिर सब ने फैसला किया कि हेड ऑफिस में ही एक दिन बिता लेंगे, मगर इस बंगले में वापस नहीं आए कि जो भी हो। उस दिन के बाद से उस बंगले में कुछ तो अहमद ही दूसरी जगह काम करने लगा, उसने गाड़ी मतलब रात को गाड़ी चलाना उसने छोड़ ही दिया, इनका भी ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया, बाकी साथियों का भी ट्रांसफर हो गया। एंड उस बंगले की याद इनके पास अभी भी रह गई। तो ये थी दोस्तों आज की 3 आप बीतियाँ, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा।